नमस्ते गाइस, मैं हूं शिराज अहमद शिराजी और आप देख रहे हैं शिराजी व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूं, बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और यहां पर इस्लामिक जब में तलबा के जरिए एहतमाम मेगा एजुकेशन एक्सपो का इनका। भाई भाई इतना सा कैमरा क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो कैमरा? इतनी सी स्क्रीन में हम अपना असली में जमील चेहरा लाना चाहते हैं भाई साहब। इतने शो के आओ, जरा बता क्या हुआ है आज? आज तो ये जमीयत का एक मेगा एजुकेशन एक्सपो है। मैं आया था आपके पास अपना एक दर्द और अपनी एक गिला शिकवा लेके यहाँ। समझ गया भाई, समझ गया आपका जो दर्द है ना, मैं समझ सकता हूँ भाई। बात कुछ यूँ है कि सिर्फ तलबा के लिए नहीं है मेगा एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद, सिर्फ तलबा के लिए नहीं है बल्कि 12 तारीख को तालबात भी आ रही है। लेकिन वो तालबात हमारी नजरों से उजल होंगी सर, हमें क्या फायदा भाई? अब आपकी हर डिमांड तो हम पूरी नहीं कर सकते ना। जरा बताए कि क्या क्या होता है इस एक्सपो में? सर ये एक्सपो में तो बहुत कुछ होता है और ये कोई चौथी पांचवी बार हो चुका है मेरा सेमेस्टर। भाई ऊपर हो गए, बहुत ऊपर हो गए। चौथी बार नहीं भाई, हर सेमेस्टर में नहीं होता, साल में एक बार होता है। ज्यादा ऊपर ना जाना, कम से कम ख्याल रखे ना, ख्याल रखे भाई। कोई इनाम मिलेगा उससे भी महरूम हो गए हैं। अच्छा चलिए, मुझे बताए कि अभी तक ऊपर गए हो कि नहीं? मैं गया था लेकिन इनाम घर में कुछ मिला नहीं है, तो मायूसी के साथ लौट आए। बात इस तरह है कि इस तरह अवेश भाई ने बताया कि साल में एक बार होता है मेगा एजुकेशन एक्सपो। 2018 में जो एक्सपो हुआ था उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे, आप लोग वही देखें, हम चलते हैं ऊपर। आओ चलते हैं। नो डाउट शिराजी, दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड इवेंट फॉर स्टूडेंट्स और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस दफ़ा मीडिया हंट के बहुत से चीज़ें जैसे कि वीलॉग, लाइव रिपोर्टिंग इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। राजुल हक साहब सेनेटर आए थे, उन्होंने हमें कश्मीर के बारे में बताया, कश्मीर का, हम कश्मीर से और हम कश्मीर हमसे है, हम कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास मुनाल के ओनर आए थे, उन्होंने अपने और बिजनेस के बारे में बताया कि उन्होंने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उनको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या हर्डल्स आई। थैंक यू सो मच शिराजी आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं, एक्सपो चल रहा है, एक्टिविटी सेंटर में मौजूद हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कैमरा मेरे हाथ में, ट्राइपॉड मेरे हाथ में, बैग मेरे हाथ में। तो अभी इनाम घर चल रहा है, वहाँ पे शोर वोर हो रहा है, इनामात मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं। मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, मैंने भी शॉर्ट जितने भी थे वो करके रिकॉर्ड करके वापस जा रहा हूँ और एक दो किताबें भी ली हैं मैंने। और शिराजी आप भी किताबें पढ़ा करें, ठीक है? बिल्कुल, इस्लामिक जब में तलबा का इवेंट हो उसमें बुक फेयर ना हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बुक फेयर पे, भाई आपसे थोड़ी बात करेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो। बताए कि इस्लामिक जब में तलबा के एहतमाम मी IIUI का इवेंट है, बुक फेयर है, क्या देखने आए हैं आप यहाँ पर? यार यहाँ पर बहुत चीज़ें देखने आए हैं, फिर हाथ में बुक्स देख रहा हूँ। कुछ खरीद लिया? कुछ खरीद लिया कि नहीं? मैंने एक बुक खरीदी है, ये वहाँ से खरीदवा से। यार आप भी अजीब इंसान हो, गूगल का जमाना है, नेट का दौर है, किताब के पीछे लगे हुए हो, क्या क्या कहाँ बैठे हो यार? गूगल किताब की जगह नहीं ला सकते। क्यों नहीं सर, क्यों? इसके पास मेरे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लेकिन ये मेरा साथी। सलाम है आपको, सलाम है आपकी सोच को, यकीनन मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। जो मज़ा हार्ड फॉर्म में है वो सॉफ्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। किताब जो है वो इंसान की माशों का होती है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपको कि इस दुनिया में आप किताब खरीद रहे हैं। अ
بلامن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می آئی آئی یو آئی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے نہ صرف طلبا کے طلبات کا خیال بھی رکھا ہے بعض تاریخ کو یہاں پر طلبات کا بھی ایونٹ ہو جا رہا ہے اس وجہ سے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی کا ایک بہترین انوائرمنٹ ہے جس کے اندر طالبات اور طلبا دو علیحدہ علیحدہ کیمپسز میں پڑھتے ہیں اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پہلے دو دن میلز کے لیے اور تیسرا دن جو ہوتا ہے وہ فیمیلز کے لیے ارینجمنٹ سارے ان کے بڑے بھائی کرتے ہیں اور بہنیں ہماری آخری دن آ کے صرف اس ایونٹ کو انجوائے کرتی ہیں تو انشاءاللہ تیسرا دن خواتین کا ہوگا پورا سین جو ہم نے آپ کو بلاگ میں دکھایا ہے یقین کیجیے بہت تھکا ہوا ہوں اور یقین کیجیے کہ ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا نیکسٹ بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ